भगवान भोलेनाथ का महीना माने जाने वाले सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों पर भक्तों का हुजूम देखा गया। इस दौरान मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, भोलेनाथ को दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। माहौल भक्ति से ओतप्रोत रहा। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष गुंजायमान रहा। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंचना शुरू हुए, शिव बाबा का जलाभिषेक किया, मत्था टेका और मंगल कामना की। सोमवार के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया है। स्वयं सेवक श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैयार थे और उनको कतारबद्ध ढंग से दर्शन पूजन करा रहे थे। एक तरफ जलाभिषेक दर्शन पूजन व दूसरी तरफ मंदिर परिसर में रुद्र अभिषेक चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। मुक्तेश्वरनाथ मंदिर सहित लगभग सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने लगे थे। मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान थे। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर शिव बाबा को भांग धतुरा बेलपत्र श्वेत मदार पुष्प गन्ना आदि अर्पित करने के बाद दूध व जल से अभिषेक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के पुजारी रामनाथ उपाध्याय ने कहा। सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों की बहुत संख्या में भीड़ है और यहाँ पर आने पर मन्नत पूरी होती है और इसलिए भगवान शिव का पूजा करते हैं। महिलाएं आज व्रत रहती हैं सोमवार का और यहाँ पर बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा मुक्तेश्वरनाथ मुक्ति धाम पर बसे नारे मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम पर बसे होने के कारण इनका नाम मुक्तेश्वरनाथ है। संख्या में भीड़ बढ़ती है, बहुत से ज़्यादा लोग आते हैं, अपनी मन्नत जो मांगते हैं वो पूरा होता है। क्या व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था यहाँ की सब ठीक ठाक है, आने जाने का रास्ता अलग अलग है, प्रवेश द्वार अलग है, निकास द्वार अलग है, इसलिए भक्तों की भीड़ ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन यहाँ पर रहती है, तो यहाँ की ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है और थाने से लोग रहते हैं, प्रशासन महिला पुलिस और पुलिस लोग रहते हैं।